हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद रईस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पे है ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑनररी मेम्बर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अलॉन्ग विद द 10 अदर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पहले भारतीय हैं जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में अपॉइंट हुए हैं, और उसके साथ साथ अराउंड द वर्ल्ड 10 लोग भी इनके साथ हैं। देखिए ऑप्शन में देखते हैं कौन है। ऑप्शन ए डोर्जी एंगचुक, बी ओमनी गुरुंग, सी तरुणदीप राय, डी डैनी जंगपा। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो ए है, फर्स्ट डोर्जी एंगचुक, जो कि लद्दाख से हैं, लद्दाख बेस्ड इंजीनियर है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट का आंसर क्या है? ए डोर्जी एंगचुक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस टू डेवलप अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे ई वेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो हमारा गैजेट्स है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन, ये सब हमारा क्या है? ई वेस्ट है। तो ये इसमें हमें ये बताना है कि इंडिया का कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ई सोर्स को टैकल करने के लिए ई वेस्ट का प्लेटफॉर्म डेवलप किया ऑनलाइन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? आईआईटी हैदराबाद, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी कोलकाता, डी आईआईटी कानपुर। फ्रेंड्स, ये इसका जो आंसर है वो है बी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इंस्टीट्यूशन जो है ये अनाउंस किया है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ई सोर्स जो है उसको टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट। ओके फ्रेंड्स, आंसर क्या है इसका? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन शूटर सिंगराज अडाना हैज़ वन विच मेडल इन द P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल एट द ऑनगोइंग टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020। अपने भारतीय हैं, शूटर है सिंगराज अडाना, जो कि पैरा ओलंपिक 2020 पार्टिसिपेट किया है, और ये अभी चल रहा है। ए, आइए देखते हैं कौन सा मेडल उन्होंने जीता है शूटिंग में। ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज, डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, सी। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन ए अगस्त 1 टू अगस्त 7, बी अक्टूबर 1 टू अक्टूबर 7, सी जुलाई 1 टू जुलाई 7, डी सितंबर 1 टू सितंबर 7। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर वो है डी सितंबर 1, जो कि ये महीना चल भी रहा है, ठीक है, ये मंथ सितंबर का है, और इसमें ही 1 वीक का ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। फ्रेंड्स, 5th क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन पैरा एथलीट मैरियप्पन थंगावेलु हैज़ क्लेम्ड अ सिल्वर मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट एट टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स। ए शूटिंग, बी हाई जंप, सी रेसलिंग, डी डिस्कस थ्रो। फ्रेंड्स, ये जो आंसर है बी का, सॉरी 5वां क्वेश्चन है ये, इसका जो आंसर है वो मरियप्पन थंगावेलु है, जो कि T63 मेंस हाई जंप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और सिल्वर मेडल लिया है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो बी होगा, बी हाई जंप। आइए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन आइडल विनर पवनदीप राजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विच स्टेट ब्रांड एम्बेसडर फॉर आर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर। ए उत्तराखंड, बी केरला, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। ये पवनदीप राजन, जो कि 2021 में सीज़न 12 के विनर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और इन्हें उत्तराखंड स्टेट ने इन्हें स्टेट ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ओके, आर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर के लिए। ओके फ्रेंड्स, आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जज अपॉइंटेड एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो 33 है, 33। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट जो होता है अपने हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, उससे पहले हाई कोर्ट होता है, और उससे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब ऑर्डिनेट होता है। ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स।